रावलपिंडी की सबसे कदीमी तहसील कहूटा, जिससे तहसील कोटली सतिया और तहसील कलर सैयदा बनाई गई। लेकिन कहूटा आज भी तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम क्यों? कहूटा में सरकारी महकमे क्या कर रहे हैं? कहूटा शहर में मौजूद रोडों की क्या पोजीशन है? कहूटा में पार्किंग का क्या निजाम है? कहूटा में गैर कानूनी बगैर नक्शे के बिल्डिंग्स कैसे बनी? कहूटा में मौजूद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सिर्फ रावलपिंडी रैफर की पर्ची क्यों दी जाती है? कहूटा पुरानी तहसील होने के बावजूद कलर सैयदा कहूटा से आगे कैसे? कहूटा के सरकारी महकमों में अफसरान कब ऑफिस तशरीफ लाते हैं? क्या कहूटा की आवाम मौजूदा हुकूमत से खुश है? सोहाला फ्लाईओवर कब बनेगा? कहूटा की आवाम ने सोहाला फाटक पर लॉलीपॉप क्यों बांटे? कहूटा की आवाम ने तंग आकर रोड में खड़े पानी में कश्तियां क्यों चलाई? तमाम सवालात लेकर आ रहा है आवाम और आवामी नुमाइंदगान के जवाब। देखिए प्रोग्राम आवाम और रियासत MH मलक के साथ हर मंगल की शाम 9 बजे सिर्फ 26 न्यूज पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम और रियासत के साथ मैं हूँ मलिक हसनैन महमूद, मौजूद हूँ इस वक्त कहूटा गुलाम रबानी फ्री किडनी एंड डायलिसिस सेंटर में, जहाँ पर कहूटा ही नहीं कलर सैदा, कोटली सतियाँ, मरी और दीगर दूर दराज इलाके आज़ाद कश्मीर समेत पूरे आज़ाद कश्मीर से यहाँ पर जो लोग हैं जो किडनी के मर्ज में मुबतला हैं वो यहाँ पर फ्री किडनी एंड डायलिसिस सेंटर से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज जो आते हैं अपने गुर्दे वाश कराने के लिए, हम उनकी जानब भी जाएंगे, उनसे भी कमेंट्स लेंगे। जी वही स्टार्ट जी, बिल्कुल नजरीन, इस वक्त मैं गुलाम रबानी किडनी सेंटर की जो ये वार्ड है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो शहरी हैं मुख्तलिफ एरियों से आए हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर कौन सी सहूलियात अवेलेबल हैं और जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी हैं उनसे इनका क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सी जगह से आप यहाँ पर आए हैं? मैं सर गुजर खान से। और यहाँ पर किडनी के मसले में कितने अरसे से यहाँ मर्ज़ में मुबतला हैं आप? मैं तकरीबन 1.5 साल से हूँ इस मर्ज़ में, लेकिन इधर मैं तकरीबन 1 साल हो गया है डायलिसिस यहाँ से करा रहा हूँ और बहुत अच्छा। इससे पहले ये बताएं कि कौन सी जगह से आप डायलिसिस करवाते थे? गुजर खान से। अच्छा, गुजर खान में भी कोई किडनी सेंटर वगैरह मौजूद है? गुजर खान भी है। अच्छा, वहाँ पर क्या सहूलियात में असर नहीं है कि आप गुजर खान से यहाँ पर आए हैं, उसमें क्या वजह है? गुजर खान में कोई सहूलत नहीं मेरा सर, सही बात है, इधर फ्री है डायलिसिस हमारा। ठीक है, वहाँ पर कोई पेमेंट लेते थे? जी पेमेंट लेते थे, 2,000-2,500 रुपया पेमेंट थी, इंजेक्शन का भी पैसे थे, इधर कुछ भी नहीं है। इधर यानी कि किसी किस्म की कोई आपने रकम नहीं जमा करवाई? कुछ भी नहीं कराई। जी नजरीन, ये गुजर खान से आए, इन्होंने कहा कि गुजर खान में भी एक किडनी सेंटर है लेकिन वहाँ पर 2,000 से 3,500 रुपये तक हमसे रकम ली जाती थी और वहाँ पर जो इंजेक्शन लगाए जाते थे उनकी अलग रकम ली जाती थी। हमारे साथ एक और यहाँ पर मरीज़ हैं, हम उनसे जानेंगे ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर किस जगह से आए? मैं कलर सैदा से। कलर सैदा से? सर कलर सैदा में कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है कि वहाँ पर आप हो सके ताकि आपका ये जो किराया लगता है ये भी आपको बच सके? नहीं, उधर नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पर ये बताएं कि यहाँ पर कोई आपको पेमेंट दे रहे हैं या कोई किसी किस्म के कोई खाने पीने की कोई पेमेंट आप यहाँ पर जमा करवा रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं करा रहे हैं। यहाँ पर फ्री हो रहे हैं? बिल्कुल। कितने अरसे से आप यहाँ पर जो किडनी का मर्ज़ है इसमें मुबतला है? मैं 2 साल से हूँ, अभी 1.5 साल इधर हो गया। अच्छा, 1.5 साल। इससे पहले किसी और जगह से कराते थे या यहाँ से स्टार्ट से? पहले दुबई में 2 कराए, फिर अपारा में 6 महीने किया, फिर इधर आया। अच्छा, अपारा में, ये अपारा इस्लामाबाद की कह रहे हैं ना जी, यहाँ पर आपने कितने पैसे जमा करवाते थे? उधर 6-4 हज़ार का डायलिसिस होता था और 3-3.5 हज़ार गाड़ी का। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा है जी कि पहले हमने दुबई में चेक करवाया, उसके बाद हम अपारा इस्लामाबाद से करवाते थे जहाँ पर 4-6 हज़ार रुपये हमसे डायलिसिस के लिए जाते थे। हमारे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे ये कितने अरसे से ऐसी मर्ज़ में मुबतला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कौन सी, कितने अरसे से यहाँ पर आप इस गुर्दे के मर्ज़ में मुबतला हैं? मैं तकरीबन 1.5 महीना हो गया। 1.5 माह से? जी। अच्छा, क्या वजह अचानक किस तरह आप गुर्दे में? अचानक यही है कि रात को नींद नहीं आनी थी, मुंह खुश्क हो जाना से। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर है, इन्होंने चेक कराया, इस्लामाबाद तू चेक कराया, इन्हें आखिया जी ठीक है वाश कराओ। अच्छा, ये दसो कि इतने तुम अच्छे होते, इतने कोई रकम शकम जमा कराने को कैश काउंटर थे मौजूद? कोई चीज़ नहीं थे जमा हो रही।
नजरीन का यही कहना था यहाँ पर कोई कैश काउंटर मौजूद नहीं है, ये दूसरी शिफ्ट भी आई है, हम कौर हाला जी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे ये किस इलाके से आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाला जी किस इलाके से आए हो? बावली से। अच्छा बावली सू। हाला जी कितने अरसे गुर्दे ने मर्जी मुबतला आए हो? 4 महीने हो गए। 4 महीने से स्टार्ट से इतने आए हो या इस्लामाबाद भी चेक कराने रहे हो? एमएच में गए थे। अच्छा उठा कोई रकम कितने से हो? नहीं। अच्छा उठा फ्री एंड कास्ट था? जी। लेकिन उठा ये जो सहूलियात मौजूद थियां ये जड़ियां इस किडनी सेंटर ही थियां? नहीं। जी नजरीन इनका यही कहना था कि यहाँ पर तमाम सहूलियात मैसर हैं और एक और ये देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी शिफ्ट भी तब्दील हो रही है और एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर किस जगह से आए? जी मैं कलर सैदा से आया हूँ। सर कलर सैदा से ये बताएँ कि कोई कलर सैदा में ऐसी कोई सहूलियात मैसर नहीं है कि आप इतना दूर आए हैं? नहीं कलर सैदा में ऐसी सहूलियात नहीं है। अच्छा ये बताएँ कितने अरसे से आप इस मर्ज में मुबतला हैं? जी तकरीबन 2 साल से। दो साल से। इससे पहले भी यहाँ पर ही चेक करवाते थे या किसी और अस्पताल में चेक कराते रहे या डायलिसिस कराते रहे? जी इससे पहले मैं पिंडी बिलाल हॉस्पिटल से करवाता रहा हूँ, उधर ही एडमिट था, फिर इस्लामाबाद से डायलिसिस मैंने करवाए हैं। उधर क्या कोई पेमेंट लेते थे डायलिसिस? बिलाल वाले लेते थे जी 15,000 और जो मैंने इस्लामाबाद से करवाए हैं उनके रेट मुख्तलिफ, कोई 8,000 है कोई 10,000 है। इस लिहाज से यहाँ पर आप कितने दे रहे हैं डायलिसिस के? नहीं यहाँ तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री हो रहा है। नजरीन इनका यही कहना है कि यहाँ पर हम फ्री एंड कास्ट कर रहे हैं, यहाँ पर शहरियों की एक जो मरीजों के साथ आए हैं उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है, हम एक और शहरी भी मौजूद है, हम उनसे जाने के। सलाम अलैकुम। मैं खुद मरीज आदमी हूँ। अच्छा मरीज़ है आप। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। सर किस जगह से आए हैं? मैं कलर सैदा ना जसवाला। जसवाला से आए हैं सर, वहाँ पर कोई ऐसी सहूलियात मैसर नहीं है जिसकी वजह से आप कोटा आ रहे हैं इतने दूर? हमारे पास बेवल आया लेकिन वो 5-6 हज़ार रुपया लेते हैं, इधर अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो रहा है बिल्कुल, कोई पैसा पैनिटी का यहाँ पर किसी किस्म का कोई पैसे नहीं ले, कोई पैसे नहीं ले रहे बिल्कुल। और बेवल में कितने पैसे लिए जा रहे हैं? या 6,000 रुपये ले रहे हैं फीट लैसेस, 6,000 रुपये लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो एक और मरीज़ हैं जिनको जो अभी डायलिसिस करवा चुके हैं, हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर ये बताएँ कि यहाँ पर कैसी सहूलियात मैसर हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं? जी। अच्छा ये बताएँ कि आप इससे पहले किसी और जगह से करवाते रहे डायलिसिस? जी पिंडी से कराते रहे। पिंडी वहाँ पर कितने पैसे लिए जाते थे आपसे? तो पैसे हम सेंट्रल अस्पताल से फ्री कराते थे। अच्छा वहाँ पर सहूलियात कैसी थी, इससे बेहतर थी या? इससे नहीं इससे बेहतर, ये बेहतर है, बहुत बुरे हालात थे उधर, बहुत बुरे हालात थे। नाज़रीन देख सकते थे आज हमारा दौरा 26 न्यूज़ की टीम का यहाँ पर दौरा गुलाम रब्बानी फ्री किडनी एंड डायलिसिस सेंटर में पहुँची, जब टीम यहाँ पर जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव जनाब आसिफ रब्बानी कुरैशी साहब तो मौजूद नहीं थे, डॉक्टर साहब मौजूद थे, हमने अचानक दौरा किया यहाँ पर किसी को बग़ैर बताए हुए और यहाँ पर तमाम मरीजों के जो बयानात थे वो भी आपके सामने रखे और तमाम लोगों को जो मरीज़ हैं यहाँ पर उनको सहूलियात दी जा रही हैं, किसी किस्म की कोई एक रुपया भी रकम नहीं ली जा रही। और देखा जाए अगर खाने पीने का इंतज़ाम, रहाइश का भी हमने आपको बताया यहाँ पर रहाइश भी मौजूद है, जो दूर दराज से इलाके से जो अफोर्ड नहीं कर सकते किराया वो उनके लिए ये इन्होंने रहाइश का एक अलग इंतज़ाम रखा हुआ है, इन्होंने मुख्तलिफ लैब्स भी कायम की गई हैं, उसकी जानब हम अभी चलते हैं। जी नजरीन इस वक्त जो डॉक्टर हैं गुलाम रब्बानी किडनी एंड फ्री डायलिसिस सेंटर के, उनके पास हम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो किडनी सेंटर में है हर हफ्ते कितने मरीज़ आते हैं और ज़्यादा तादाद मरीजों की कौन से इलाके से होती है और तमाम खराजात कौन अदा कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मौज़म है, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पर। सर ये जो इस जो किडनी सेंटर है इसके जो तमाम खराजात हैं, जो रहायश के खराजात हैं, खाने पीने के हैं, जो मरीज़ हैं, ये कौन अदा कर रहा है यहाँ पर? बेसिकली रब्बानी ट्रस्ट जो है वो इसकी रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं और इसके अलावा जो इस इलाके के मकीन हैं वो लोग इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं और मिल के ये सारे काम कर रहे हैं, लोगों की एफर्ट की वजह से सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा सर ये बताएं कि यहाँ पर हफ्ते में कितने मरीज़ आ रहे हैं जो यहाँ पर मुस्तफीद हो रहे हैं? ना डेली के तकरीबन 30 डायलिसिस करते हैं, दिन में तकरीबन 30 से 35 डायलिसिस होते हैं, इसके अलावा हमने एमरजेंसी भी रखी हुई है,
अल्लाह ना करे अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है उसको एमरजेंसी में भी डायलिसिस किया जाता है। वैसे ओवरऑल हमारे पास टोटल जो पेशेंट है वो तकरीबन 110 हैं जिनके हम रेगुलर हफ्ते में दो दफ़ा डायलिसिस कर रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पर ये बताएं कि जो कोटा है, कोटा के अलावा कौन कौन से इलाके से ऐसे मरीज़ मौजूद हैं जो दूर दराज से आ रहे हैं? एक तो हमारे अपने कोटा के काफ़ी पेशेंट्स हैं जो कि नॉन अफोर्डिंग है, उनके डायलिसिस किए जा रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, कलर सैदा के पेशेंट्स आते हैं और गुजर खान से। ये तमाम वो पेशेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मुकम्मल यहाँ पर डायलिसिस का इंतज़ाम किया जाता है। सर, जो इस मर्ज़ में मुबतला नहीं है लोगों को, उनको क्या हदायत करेंगे, क्या उन्हें करना चाहिए ताकि ऐसी मर्ज़ में वो मुबतला ना हो? पाकिस्तान के अंदर हमारे कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि मोस्ट कॉमन है और इसी की वजह से मस्ते चल रहे होते हैं। उसमें एक है डायबिटीज़, शुगर का होना और अनकंट्रोल शुगर का रहना। तो मेरा मशवरा ये होगा कि सबसे पहले शुगर पे हम नज़र रखें, उसका बकायदा 3 माह के बाद अपना टेस्ट करवा लिया करें और अगर शुगर कंट्रोल है तो इसका मतलब है चीज़ें ठीक चल रही हैं। इसी तरीके से सेकेंड नंबर पर डिज़ीज़ आती है वह ब्लड प्रेशर है और थर्ड नंबर पर किडनी स्टोन्स हैं। तो अगर आपका किसी भी किस्म का गुर्दों में पेन का मसला हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उसको बर वक्त इलाज करवाएं। यहाँ पे हम फ्री इसका काम कर रहे हैं, आके दिखा सकते हैं, टेस्ट हम करवा के देख लेंगे और आपको एटलीस्ट गाइड ज़रूर कर देंगे कैसे आगे मैनेज करना है चीज़ों को, ताकि हम डायलिसिस वाले जगह पर ना पहुँच सकें और चीज़ें ठीक चलती रहें। जी बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ गुलाम रब्बानी फ्री किडनी एंड डायलिसिस सेंटर के जो डॉक्टर साहब थे वो हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम जो इनकी लैब है वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पर जो स्टाफ है उनसे बात करेंगे कि वो उनका क्या कहना है। जी रबानी किडनी सेंटर की रहायश में मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ कमरे हैं और मुख्तलिफ मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक भाई हैं जो हम उनसे पूछेंगे ये किस इलाके से हैं, कितने अरसे से यहाँ पर गुलाम रबानी किडनी सेंटर में मौजूद हैं और रहायश भी यहाँ पर रखी हुई है और खाने पीने का क्या इंतज़ाम है और ये हफ्ते में कितने दिन जो गुर्दे हैं वो वाश कराते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, किस जगह से आए हैं? जी हम नौशहरा से। नौशहरा से आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आप कितने दिनों के बाद गुर्दे वाश करा रहे हैं? जी हम हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस करते हैं। अच्छा, हफ्ते में 2 दफ़ा। और ये बताएं यहाँ पर कोई पैसे वगैरह आपसे लेते हैं कोई किडनी सेंटर में कोई किसी किस्म के भी? नहीं सर, हमारा 2 साल हो गया, 1 रुपया भी हमने नहीं दिया और इधर हमको रिहाइश कमरे दिए, गैस दिए, बिजली दिए, ना गैस का बिल हमने जमा किया, ना बिजली का, ना किराया दिए। नाज़रीन ये देख सकते थे गुलाम रबानी किडनी सेंटर की जानब से ये रहायश मौजूद है, मुख्तलिफ कमरे मौजूद हैं जो मुख्तलिफ लोगों को दिए गए हैं, जो मुख्तलिफ जो दूर दराज से मरीज़ हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं आ सकते, किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये कमरे हैं और तीसरी मंजिल का भी ये काम जारी है जो चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। जी रावलपिंडी की सबसे कदीमी तहसील कहूटा, जिससे तहसील कोटली सतिया और तहसील कलर सैयदा बनाई गई, लेकिन कहूटा आज भी तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम क्यों? कहूटा में सरकारी महकमे क्या कर रहे हैं? कहूटा शहर में मौजूद रोडों की क्या पोजीशन है? कहूटा में पार्किंग का क्या निजाम है? कहूटा में गैर कानूनी बगैर नक्शे के बिल्डिंग्स कैसे बनी? कहूटा में मौजूद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सिर्फ रावलपिंडी रेफर की पर्ची क्यों दी जाती है? कहूटा पुरानी तहसील होने के बावजूद कलर सैदा कहूटा से आगे कैसे? कहूटा के सरकारी महकमों में अफसरान कब ऑफिस तशरीफ लाते हैं? क्या कहूटा की आवाम मौजूदा हुकूमत से खुश है? सोहाला फ्लाईओवर कब बनेगा? कहूटा की आवाम ने सोहाला फाटक पर लॉलीपॉप क्यों बांटे? कहूटा की आवाम ने तंग आकर रोड में खड़े पानी में कश्तियां क्यों चलाई? तमाम सवालात लेकर आ रहा है आवाम और अवामी नुमाइंदगान के जवाब। देखिए प्रोग्राम आवाम और रियासत MH मलक के साथ हर मंगल की शाम 9 बजे सिर्फ 26 न्यूज़ पर।